दोस्तों, हमारे जीवन में हीलिंग एक बहुत बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर हम हमारे बॉडी को नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हील कर सकें, कनेक्ट कर सकें, तो दुनिया में इससे बड़ी ताकत कहीं नहीं है। इस बार हम लोनावाला जाकर प्रकृति के साथ, जहाँ पे कि एक प्रोसेस था 21st, 22nd ऑफ चैन लोनावाला, उस दिन सूर्यदेव साक्षात भगवान शनि से मिल रहे थे और सूरज की जो वो सारी रोशनी पृथ्वी पे आ रही थी, उस पृथ्वी पे उस पड़ते हुए रोशनी के एक एक कण को शरीर के अंदर हमने ग्रहण किया और पूरे शरीर को हील किए। जहाँ प्रकृति के साथ पूरा शरीर हील होते गया सूरज की रोशनी के साथ, और भी काफ़ी सारे हमने मेडिटेशंस किए, पंचभूता मेडिटेशन जो बॉडी को हील किए, शरीर के अग्नि तत्व को हमने अपलिफ्ट किया बॉन फायर मेडिटेशन के द्वारा। तो आइए चलते हैं उस वर्कशॉप के कुछ मोमेंट्स को, झलकियाँ, हाइलाइट्स देखते हैं, जहाँ पे कि शरीर पूरी तरह से हील हुआ था, माइंड बॉडी एंड सोल विथ नेचर, प्रकृति के साथ। आइए देखते हैं उस प्रोसेस को। सो फ्रेंड्स, वी आर हेडिंग टू द लोनावाला फॉर द मोस्ट पावरफुल प्रोसेस, सप्त ध्यान, सेवन चक्र मेडिटेशन वर्कशॉप। So right now we are here for the workshop. SS Yoga Health presents Sapt Dhyan, the seven chakra healing workshop to the Mount View. हमारे शरीर का फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है, प्राणास को अपलिफ्ट करती है। फायर एनर्जी इज मोस्ट मैनिफेस्टेड इन द प्रोसेस। ये हमारे पूरी शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को ट्रांसफॉर्म करती है, इन विच फूड्स आर ट्रांसफॉर्म इन टू द एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी। फायर इट टर्न्स द एनर्जी, अनेबल्स द बॉडी एंड माइंड टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारे शरीर के अग्नि तत्व को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, हील करना। द फायर एलिमेंट शरीर का हमारा थर्ड एलिमेंट, इसको हमेशा ऊर्जा से भरपूर रखते हुए शरीर को सुडोल रखता है, शक्ति प्रदान करता है, प्राण शक्ति बढ़ाता है। सिर्फ और सिर्फ देखना है इस अग्नि को, जो भी विचार आ रहे हैं उन सारे विचारों को आने देना, रोकना है न टोकना है। जस्ट ऑब्जर्व द होल ब्रेथ इन दिस बॉनफायर। अब अपने श्वास को पूरी तरह से इस बॉनफायर से जोड़ लें। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें। महसूस करें अग्निदेव यहां प्रकट हो चुके हैं। द कॉस्मिक एनर्जी, अग्निदेव का आगमन हो चुका है।
अब अपने ध्यान को पेट से नाभि से जोड़ते हुए इस अग्नि तत्व को अपने शरीर में महसूस करना है. यू हैव टू फील. पूरा ध्यान अग्नि तत्व पे. द फायर बॉट फायर. वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉट टेकिंग द ब्रेथ. श्वास को लेते रहना है और छोड़ते रहना है. आउट इन 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 आउट in out 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 in out. महसूस करें पूरी प्रकृति को. शरीर के चारों तरफ आपको आपके पूरे शरीर को हील कर रही है. आपके मन को हील कर रही है. पूरा शरीर हील होते जा रहा है. मन पूरी तरह से शांत होते जा रहा है. महसूस करें चल रही प्रकृति से जो हवा चल रही है उसे ब्लेसिंग के रूप में अपने शरीर के अंदर हील होता महसूस आकाश की ओर लेके जाएंगे. महसूस करें वहां से एक कॉस्मिक एनर्जी जनरेट हो रही है और आपके मन को शांत कर रही है. शरीर को शक्तिशाली बना रही है. फील ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. Each and every cells of your body is healing now. पूरा शरीर हील होते जा रहा है. मन और भी शांत होते जा रहा है. शिथिल होते जा रहा है. शरीर को और भी उसे भी महसूस करना है. शरीर का पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट सारे बोन्स को दोनों हाथों के सारे बोन्स को महसूस करना है. आंखें बंद करें. लव मंत्र के चैंट के लिए ब्रीदिंग. पूरा ध्यान अब गले से. हमारे शरीर का पांच तत्व जो सबसे जरूरी है शरीर को जो हमारे संरक्षण करता है प्रोटेक्ट करता है उसकी देखभाल करता है. लाइक ऑल द नेगेटिव एनर्जीज विच इज गोइंग टू कीप अवे फ्रॉम आवर बॉडी इज द स्पेस एलिमेंट. शरीर का आकाश तत्व है. उस तत्व को मेडिटेट करते हुए शरीर को मन को एक साथ जोड़ा जा सकता है. द स्पेस एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी. Healing of mind, body and soul, the space element of our body. Left chest. Now observe your lungs.
राइट लंग, लेफ्ट लंग। जब हमारा शरीर प्रकृति से जुड़ जाता है, शरीर के पांचों तत्व, फाइव एलिमेंट्स, प्रकृति जब अपने आप में शरीर, मन को, आत्मा को जोड़ लेती है, तब हम उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस कॉस्मिक हीलिंग को अपने पूरे शरीर में महसूस करते हैं कि ऊपर से वो कॉस्मिक हीलिंग, वो ऊर्जा, वो अलौकिक ऊर्जा शरीर के अंदर आ रही है और पूरा शरीर हील होते जा रहा है, तृप्त होते जा रहा है, मन शांत होते जा रहा है, चक्राओं की सारी ऊर्जा शरीर में, कण कण में व्याप्त होते जा रही है। होते जा रहा है, शिथिल होते जा रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहा है, पूरा ध्यान अपने सांसों पर बनाए रख रहे। फील द कॉस्मिक एनर्जी इन बॉडी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा ध्यान एक बार मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, दोनों चक्रों पे रखते हुए हम ओम नमः शिवाय चैंट करेंगे 11 टाइम्स टू द मणिपुर। आउट इन, 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 out, in, 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 out. In our body, we are having seven main chakras situated along the spine. From the base of your spine to the crown of your head, हमारे शरीर में ऐसे सात शक्तिशाली ऊर्जा के स्रोत हैं जो हमें फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, जीवन में आ रही सारी समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और पूरा शरीर एक अलग ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है, प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, उस ताकत के साथ जुड़ जाता है जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इस एनर्जी से मिल सकता है, इन चक्राओं की ऊर्जा से मिल सकता है, जैसे ही हम इसकी हीलिंग को पूरे शरीर में महसूस करते हैं। सप्त ध्यान, ए जर्नी टू इनसाइट। सप्त ध्यान, a journey where body meets the soul, जहाँ पे कि अपनी आत्मा को हम अपने शरीर और मन के साथ महसूस करते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। सप्त ध्यान, सप्त ध्यान।